सत श्री अकाल जी। कनाडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है प्रोसेसिंग टाइम्स के रिगार्डिंग, जिसमें विजिटर वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, स्टडी परमिट है, केयर गिवर की फाइल है, स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल्स हैं। तो अब इसका क्या प्रोसेसिंग टाइम है, क्योंकि ये स्ट्राइक के बाद अब प्रोसेसिंग टाइम आया है और कुछ बड़ा भी है, मोस्टली तो बड़ा ही है प्रोसेसिंग टाइम अगर हर कैटेगरी का देखें तो। आज हम चेक करते हैं तो लेटेस्ट अपडेट है प्रोसेसिंग टाइम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेम्परेरी रेजिडेंट में विजिटर वीज़ा आउटसाइड कनाडा, और ये इंडिया से फाइल लगाई है, ये हमने इंडिया से फाइल लगाई है, और इसका आप देख सकते हैं 22 दिन है और ये मई 2023 की अपडेट है। उसके बाद हम देखते हैं विजिटर इनसाइड कनाडा, 10 दिन ऑनलाइन, पेपर बेस्ड 27 दिन, और है अब वीज़ा वीज़ा विजिटर वीज़ा एक्सटेंड रिकॉर्ड, तो ये है 164 डेज ऑनलाइन और 110 दिन है पेपर बेस का, और मई 23 का डेट है। सुपर वीज़ा पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और इंडिया से फाइल लगी है। पचवंजा दिन तो और है ये। उसके बाद है स्टडी परमिट आउटसाइड कनाडा, 7 वीक्स, इनसाइड 3 वीक्स, वीज़ा एक्सटेंड, और वीज़ा एक्सटेंड परमिट है जो है 85 ऑनलाइन है, पेपर बेस है 230 दिन, और ये मई का अपडेट है। वर्क परमिट है आउटसाइड कनाडा, और इंडिया से हम फाइल लगा रहे हैं, 9 वीक्स, और उसके बाद हम करते हैं वर्क परमिट इनसाइड एंड इनिशियल रेजिडेंट, 143 डेज ऑनलाइन, पेपर बेस 12 डेज, और ये देख सकते हैं आप 12 मई का। इकोनॉमिकल क्लास एंटार्क्टिका इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, 30 महीने इमिग्रेशन प्रोग्राम, 5 महीने कनाडा एक्सपीरियंस क्लास, 4 मंथ केयर गिवर, 30 मंथ डायरेक्ट टू परमानेंट रेजिडेंट कैटेगरी, लेस देन 36 एंड वैलिड बाय एप्लीकेशन, एंड होम सपोर्ट वर्कर 24 मंथ एंड मोर देन एंड लेस देन 24 मंथ। तो ये है वर्क परमिट एप्लीकेशन, फर्स्ट परमानेंट रेजिडेंट रिव्यू, 35 मंथ एंड वैलिड बाय एप्लीकेशन। अब इसमें हम चेक करते हैं, ये हो गया, आप चेक करते हैं प्रोविंसी नॉमिनेट प्रोग्राम, यस 10 मंथ प्रोविंसी के बाद है सेल्फ पर्सन पर ड्रैग क्यूबिक, 46 मंथ क्यूबिक क्लास बिजनेस, 68 मंथ स्किल्ड वर्कर फेडरेट, 26 मंथ स्किल्ड ट्रेड फेडरेट नॉट इफ डाटा एंड स्किल्ड वर्कर क्यूबिक, 21 मंथ स्टार्टअप वीज़ा, 36 मंथ। फैमिली स्पॉन्सरशिप्स में आ जाता है स्पाउस ओपन ला पार्टनर लिविंग इनसाइड, 40 मंथ आउटसाइड, 16 मंथ डिपेंडेंट चाइल्ड, 22 मंथ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, 25 मंथ अडॉप्टेड एंड अनदर चाइल्ड, 35 मंथ। तो
अब हम इसमें चेक करेंगे तो ये सारे जो है प्रोसेसिंग टाइम चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब जो ये प्रोसेसिंग लास्ट वीक जो है इसका अपडेशन आया नहीं था, पर इस वीक मई 2023 को अपडेट आ गया क्योंकि स्ट्राइक बंद हुई और IRC ने नॉर्मल टू वेरी काम करने लगे। पर यह है कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, नॉर्मल वो इतना ही प्रोसेसिंग टाइम है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब जो है नॉर्मल टू वेक काम शुरू हो गया है, तो जल्दी से जल्दी काफ़ी लोगों के रिज़ल्ट आएंगे, तो केयर गिवर के भी काफ़ी रिज़ल्ट आ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो 2019 के तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 2021 के भी कंप्लीट होने वाले हैं। ऑलमोस्ट जो है काफ़ी बच्चों को मिल चुके हैं, तो आने वाले टाइम में और बच्चों को भी रिज़ल्ट मिलेंगे, पर आपको थोड़ा वेट करना है। तो स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल्स के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अच्छे PPRs आ रही हैं, दो दो महीने में PPRs मिल रही हैं स्पाउस ओपन वर्क परमिट के, जो आउटसाइड इंडिया से फाइल लगाई हुई है स्पाउस की। तो स्टडी परमिट में भी अच्छे PPRs आ रही हैं, जिसमें मई इनटेक है और सितंबर इनटेक्स के भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि अब बहुत ज़्यादा वीज़ास भी मिल रहे हैं और कुछ रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं। तो रिफ्यूज़ में है कि आपने अगर प्रॉपर फाइल लगाई नहीं है जो इमीग्रेशन आपसे मांग रहा है, क्योंकि इमीग्रेशन को जस्टिफाई करना होता है कि हम आएंगे यहाँ रहेंगे, हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो विजिटर वीज़ा के भी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, लास्ट ईयर के भी काफ़ी जो बैकलॉग है धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है, वो ड्रॉप ऑन भी हुआ है। तो ये आज की वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करिए।